तो गाइस सबसे पहले हम फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे बात करते हैं आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर पाएंगे, उसी के बारे में आज का वीडियो है। जितने लोगों के पास पीसी है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो लोग ये तो मतलब फोटोशॉप यूज़ ही करते होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि मतलब फ़ोटो के बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसी तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस फोल्डर के अंदर मैंने दो फोटो चूज़ करके रखे हैं। अब ये दो फोटो को मैंने फोटोशॉप के अंदर डालने वाला हूँ। एंड गाइस इसके बारे में बात करेंगे, अब इसका बैकग्राउंड जो है इसको चेंज करेंगे एंड इसको लगाएंगे, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मुझे जो करना होगा मतलब और एक मुझे ऐसा और एक पेज चाहिए, समझ रहे ना, जिस पेज पर मैं काम कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक फ़ोटोज़ को रीनेम कर लेता हूँ ताकि ये फ़ोटो मैं दोबारा यहाँ पर लेकर आ सकूँ। अब मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ। अब गाइस इसको रिमूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल एंड बैकशिफ्ट, तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो लेकर आना है, तो फोटो ये जो टूल्स है इसके अंदर से आप लेकर आ सकते हो। कीबोर्ड में वी प्रेस करके भी ये टूल आप पा सकते हो, इसके द्वारा आप फोटो को खींच के दूसरे पेज पर ले जा सकते हो। जैसे कि ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर ले लिया, अब मुझे करना क्या होगा, ये जो पहला फ़ोटो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब ये जो फ़ोटो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दो दो यहाँ पर लेयर मुझे बन चुके हैं। अब ये जो पहला लेयर है यहाँ पर, इस बैकग्राउंड को हम लोग डिलीट करेंगे एंड इसके जगह ये जो बैकग्राउंड है इसको लगाएंगे। तो वो किस तरीके से आप करवाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको W प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं मैजिक वर्ड नाम का जो टूल है इसको यूज़ कीजिए। तो ये काम कब करते हैं आप बेहतर एक समझ यहाँ पर से ले लीजिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो टूल है काम करते हैं एक कलर के अंदर। अगर आपके फ़ोटोज़ में लाइक एक कलर है बैकग्राउंड में, एक ही शेड में कलर है, कोई दूसरा कलर अगर नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इस पर काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसे मतलब बहुत सारा मतलब बालों के अंदर जा रहा है। तो अगर आप इस फोटो के अंदर क्लिक कर रहे हो तो देख सकते हैं मतलब यहाँ पर एक कलर में फ़ोटो नहीं है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो है आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर से इरेजर आप ले सकते हैं या फिर ये टूल के मदद से आप यहाँ पर से इसको गायब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इरेजर लेके मैं आपको मतलब एकदम सिंपल सा यहाँ पर जो सिंपल फंडा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इरेजर लेके आप ऐसे इसको जो है ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कर भी लेंगे तो उतना कोई पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर आराम आराम से आप इसको कर लेंगे तो। एक तो गया ये चीज़, और दूसरा चीज़ आप यहाँ पर तीन टूल आपको मिल जाते हैं। ये बीच वाला जो टूल है ना, ये टूल काफ़ी काम का है। ये टूल में अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ पर से सिलेक्ट कर करके आप अपने फ़ोटो को मतलब मैं आपको बस दिखा रहा हूँ किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है फ़ोटो को सिलेक्ट करते हो एंड वहाँ पर से अगर आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो आराम से। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर चाहे तो इसको डिलीट बटन प्रेस करके ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, जो कि बेहतरीन बात है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम आराम आराम से एक चीज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसको किस तरीके से कर पाएंगे, ताकि आप बेहतर समझ पाओ एंड आराम से जो इसको एडिट कर सको अपने पीसी के अंदर।
गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने आराम आराम से जो है यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंड आप आराम से आपको मतलब चेंज करना है, आराम से करना है। मैं जल्दबाजी में यहाँ पर कर दिया तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो इरेजर, ये जो चीज़ है ये मैंने सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको सारे टूल्स रहते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ 14-24 ये जो टूल्स है ये आप आराम से यहाँ पर से ले सकते हो। एंड आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ आपको 50 या 25 जितने आपके फ़ोटो के मतलब बैकग्राउंड मतलब आपके फ़ोटो के जितने आपके बाल वगैरह या फिर टी शर्ट्स वगैरह जितने मतलब ग्लेस दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये चूज़ करना है, आपको देखना है चूज़ कर करके, इसके लिए आपको समय देना है। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से आप जो चूज़ कर पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिए। अब हमें बारी है यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने की, तो यहाँ पर आप किस तरीके से वो कर पाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो फ़ोटो है उसको हम लोग यहाँ पर से जो है इसको हम लोग ले लेंगे एंड इसके लिए हमें वही टूल वी प्रेस करके आप इस टूल को ले सकते हैं एंड इसको लेकर हम लोग उस फोटो के अंदर इसको डाल देंगे। तो ये जो फ़ोटो हमने बनाया इसके अंदर उसको डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है मतलब आपको दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको एडिट करेंगे तो इसको बेहतर तरीके से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब गाइस इसको तो लेकर आ गए, अब काम यहाँ पर बनते हैं ये जो बीच में आ गया इसको आप बैकग्राउंड में कैसे लेकर आए। तो यहाँ पर जो टूल आपको दिख रहा है ये जो टूल्स इसको खींच के ऊपर ले जाना है, जिस प्रोजेक्ट को आप ऊपर लेना चाहते हो उस लेयर को ऊपर लेना है। अब देखिए बैकग्राउंड जो है वो आराम से यहाँ पर चेंज हो गया है। अब गाइस यहाँ पर इस तरीके से जो अपने बैकग्राउंड को बेहतर तरीके से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होते है गाइस, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रहते ऊपर की तरफ फिल्टर, अब गाइस फिल्टर के अंदर क्लिक करते हो यहाँ पर ब्लर रहते, अब गाइस बैकग्राउंड पे के जो पिक्चर है वहाँ पर आपको क्लिक करने लेयर के अंदर, उसके बाद ये फिल्टर पे क्लिक कीजिए एंड ब्लर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर रहते ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको ज़्यादा नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है कि लगे कि भाई DSLR में ये फ़ोटो खींचा गया है, तो काफ़ी बेहतर हो सकती है ये फ़ोटो। तो गाइस इस तरीके से जो है अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को आराम आराम से आप चेंज कर पाएंगे एंड आप अपने फ़ोटो को और बेहतरीन लुक इसके अंदर दे सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ पर ख़त्म नहीं होते, आप अगर चाहे इसके ऊपर लेकर भी अपने फ़ोटो को एडिट करना, जैसे कि इरेजर और भी काम पे लेना, तो यहाँ पर से आप उसको आराम आराम से ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोटो को और भी अच्छे लुक यहाँ पर से प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं और भी बेहतर यहाँ पर मेरा फ़ोटो जब बन रहे। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है अपने फ़ोटो को बेहतर बनाने के लिए आपको इसके अंदर समय देना है। अब आप अगर सोच रहे हो कि भाई कम टाइम में मैं बहुत अच्छे फ़ोटो एडिट करना चाहता हूँ, वो तो नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि फ़ोटो एडिट करना ये एक मतलब बहुत ही बड़ा आर्ट है और इसको आपको करने के लिए समय देना है। तो गाइस अगर आप समय दे सकते हो तो बेहतर से बेहतर, मेरे से भी बहुत बेहतर फ़ोटो आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ज़रिया बताया, आप ऐसे ऐसे तरीके से फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, अब सीखना आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और गाइस अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स है अगर आप पाना चाहते हो फोटोशॉप या फिर कंप्यूटर मोबाइल सारे के सारे रिलेटेड, तो हमारे चैनल को आप आराम से भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो और कमेंट करके बताओ आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हो, तो हम वो वीडियो एक दो दिन के अंदर या फिर बहुत ही जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोटो काफ़ी बेहतर तरीके से बन चुका है एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर लग रहे हैं, जो कि एक नेचुरल लुक यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर देखकर ही लग रहा है कि भाई ये फ़ोटो एडिट किया हुआ नहीं है, बहुत ही बेहतर यहाँ पर लुक मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो आराम से आप ये फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। और असली फ़ोटो की बात करें, ये देखिए असली फ़ोटो और नकली फ़ोटो मतलब एडिट किया हुआ फ़ोटो ये है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप ऐसे ही बहुत सारा टिप्स फोटोशॉप के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप सारे लोग बेहद खुश रहो।